हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए जर्नी ब्लॉग में। दोस्तों आज की जो हमारी जर्नी है वो होने वाली है जयपुर से चल के दिल्ली सराय रोहिला तक, और आज हम जिस ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं उस ट्रेन का नंबर है 12985। ये हमारी डबल डेकर एक्सप्रेस है जो कि चलती है जयपुर से चल के दिल्ली सराय रोहिला तक, और ये जो ट्रेन है ये 304 किलोमीटर को कवर करती है। मतलब जयपुर से दिल्ली सराय रोहिला का जो डिस्टेंस है वो है 304 किलोमीटर है, जिसको ये ट्रेन कवर करती है 4 घंटे 25 मिनट में। सीधा सीधा बोलें 4 घंटे 30 मिनट में, 4.5 घंटे में। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया मैं जयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर हूँ, तो पहले आपको जो जयपुर रेलवे स्टेशन का इंटीरियर दिखा देते हैं, और हमारी जो ट्रेन है वो लगेगी 2 नंबर पर। फिर मिलते हैं आपसे डायरेक्ट ट्रेन लगने के बाद। दोस्तों ये है हमारा जयपुर रेलवे स्टेशन का बाहर का एरिया जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर है। बाकी आज हमारे साथ यात्रा करने वाले हैं हमारे अक्षय मल्होत्रा भैया। कैसे हो भाई? तो आज इन्हीं के साथ हमारी जर्नी होगी, देखते हैं कैसा रहता है। तो चलो एक बार दिखा देता हूँ आपको स्टेशन का इंटीरियर, और बाकी मिलते हैं ट्रेन लगने के बाद। के रास्ते उदयपुर सिटी से चलकर खजुराहो को जाने वाली दोस्तों आज जो हमारी यात्रा है वो होने वाली है C5 कोच में, और जो हमारी ट्रेन है उसको लगाया हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। यहाँ से ट्रेन का जो डिपार्चर टाइम है वो है 6 बजे का। बाकी आपको एक बार इंटीरियर दिखा देते हैं, मिलते हैं डायरेक्ट डिपार्चर पर। करेक्ट 6 बजे जो हमारी ट्रेन को यहाँ से डिपार्ट दे दिया गया है जयपुर रेलवे स्टेशन से, जहाँ पर कि ट्रेन 2 नंबर पर लगाई गई थी। बाकी इस ट्रेन का जो अगला हॉल्ट है वो है गांधीनगर जयपुर, और उसके बाद है दौसा। तो मिलते हैं आपसे डायरेक्ट गांधीनगर जयपुर। और रही बात इस ट्रेन के टोटल हॉल्ट्स की, तो मैं एक बार टोटल हॉल्ट बता देता हूँ। गांधीनगर जयपुर, दौसा, अलवर जंक्शन, गुड़गांव, दिल्ली कैंट और दिल्ली सराय रोहिला। मिलते हैं डायरेक्ट आपसे गांधीनगर जयपुर। बात करें इस ट्रेन को, पहली बार जो है 24 अगस्त 2012 को चलाया गया था, वहीं इस ट्रेन के जो टोटल 5 हॉल्ट होते हैं, और इसमें जो अगर खाने पीने की सुविधा की बात करें तो इसमें हमको ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन फूड सर्विस बोले तो ई कैटरिंग और ऑनबोर्ड कैटरिंग की सुविधा मिलती है। पेंट्री कार इस ट्रेन में नहीं है, मतलब जो हमारी डबल डेकर है उनमें पेंट्री कार की सुविधा हमको नहीं मिलती। बाकी ये जो ट्रेन है 303 किलोमीटर को टोटल 4.5 घंटे में पूरा करती है। और अगर बात करें इस ट्रेन के मैक्सिमम और एवरेज स्पीड की, तो इस ट्रेन की जो है मैक्सिमम स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज स्पीड जो है 69 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम में मेरे को थोड़ा डाउट है 110 से 130 ही चलती है, क्योंकि मेरे को कंफर्म कहीं ये नहीं मिला कि भाई ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है कितनी। कोई कहता है 110, कोई कहता है 130। तो आपको जो है स्पीडोमीटर में 2-3 बार दिखा देंगे कि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो क्या निकल कर आ रही है। ट्रेन में जो इंटीरियर है, मतलब जहाँ आप बैठे हैं वहाँ पर आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी, तो इधर हमको जो है एक फूड ट्रे मिलेगी, नीचे में मिल जाएगा हमें न्यूज़पेपर होल्डर, ये इधर आप अपनी बुक वगैरह भी रख सकते हैं। यहाँ मिल जाएगा हमें बोटल होल्डर, लेकिन नीचे जो हमको फुट रेस्ट नहीं मिलेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया था, हमारी जो सीट है वो अपर डेक पर है, और ऊपर से जो आपको कुछ ऐसा सीन देखने को मिलेगा, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी दूसरी ट्रेन की छत पर बैठ कर जा रहे हैं। जो हमारी नॉर्मल ट्रेन होती हैं सिंगल फ्लोर की, अगर हम उसको देखें तो ऐसा लगे उसकी छत पर हम बैठ कर जा रहे हैं, लेकिन इस ट्रेन का वो अपर डेक है। और अभी फ़िलहाल कुछ इतनी पब्लिक है, और जो भी हमारी खाली सीट है वो हमारी गांधीनगर जयपुर से इसमें मतलब पूरी फुलफिल हो जाएंगी। यहाँ हमको मिल जाएगा चार्जिंग सॉकेट। मैंने आपको पिछली डबल डेकर में भी बताया था कि इस ट्रेन में जो मेरे को सबसे बड़ी कमी लगी चार्जिंग सॉकेट की, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 लोग बैठे हुए हैं, इधर में 3 और इधर में 2, मतलब 3:2 रेशियो जो है इधर सीट अरेंजमेंट है। अगर तीनों लोगों को चार्जिंग पर लगाना है तो एक चार्जिंग सॉकेट है, उधर अगर 2 लोगों को लगाना है तो एक चार्जिंग सॉकेट है। चार्जिंग सॉकेट की थोड़ी कमी है, कर्टेन आपको मिल ही जाएंगे, आपको पहले ही दिखा दिया था, इनमें अटक जाते हैं, इधर जो कर्टेन अटक जाते हैं, 3 लेवल दिए हुए हैं इन्होंने। तो अभी जो हमारी ट्रेन है वो आ चुकी है गांधीनगर जयपुर, और यहाँ पर हमारी ट्रेन का जो टोटल 3 मिनट का हॉल्ट है, और अभी हमारी ट्रेन का जो डिपार्चर टाइम हो रहा है। तो मिलते हैं आपसे डायरेक्ट दौसा।
दौसा रेलवे स्टेशन पर, और हमारी ट्रेन को जो सिग्नल भी दे चुके हैं येलो प्रोसीड हो गया है। तो चलिए ठीक है, दिखाते हैं आपको कुछ स्पीडी एक्शंस और खाने का रिव्यू। खाना दोस्तों सामने से आ रही 19716 गोमती नगर से जयपुर की ओर जाने वाली, गोमती नगर जयपुर सुपरफास्ट। दोस्तों 10 मिनट की देरी से हमारी जो ट्रेन है वो आ चुकी है दौसा रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ पर जो टोटल दो प्लेटफॉर्म है, मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी जो ट्रेन है वो डिपार्चर हॉर्न बजा चुकी है, तो बोर्ड होते हैं अपने कोच में। अभी ट्रेन का जो अगला हॉल्ट है वो है अलवर जंक्शन, और यहाँ से जो ट्रेन है नॉन स्टॉप जाएगी अलवर तक। कर देखिए क्या प्यारा ही कर रहा है यार। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं डायरेक्ट अलवर। बाकी अभी हमारा जो खाना है वो भी आने वाला है, तो आपको खाना भी दिखाते हैं, रिव्यू करते हैं खाने का। दोस्तों अभी आ रहा सामने बांदिकी जंक्शन। सामने में खड़ी है हमारी 19666। और ये पड़ गया इस ट्रेन को ओवरटेक। क्या ही प्यारा कर्व है यार, देखो एक बारी क्या ही प्यारा कर्व है भाई। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये कर्व और ओवरटेक आप लोगों को कैसा लगा।
भी आ चुका है और नाश्ते में लिया था हमने कटलेट और इधर सैंडविच, मतलब सैंडविच और कटलेट लिया थे। बाकी इनके साथ हमें केचप के भी पैकेट दिए हैं। हमारे अलवर जंक्शन दोस्तों 11 मिनट की देरी से हमारी जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है अलवर जंक्शन और यहाँ पर जो हमारी ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगाया है। बाकी अभी नाश्ता पानी लिया था वो भी उसकी जो मतलब क्वालिटी है थोड़ी सही थी, ज़्यादा कुछ मतलब बैठ। दोस्तों बात करें अलवर जंक्शन की तो यहाँ पर जो टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से जो है अहमदाबाद, दिल्ली, जयपुर और रेवाड़ी के लिए लाइन निकलती हैं, मथुरा के लिए भी है। बाकी सामने में जो हमारी ट्रेन को भी सिग्नल प्रोसीड हो चुका है तो बोर्ड होते हैं अपनी ट्रेन में और मिलते हैं इस ट्रेन के अगले हॉल्ट पर। तो फाइनली 5 मिनट का हॉल्ट देने के बाद हमारा जो डिपार्चर हो चुका है अलवर जंक्शन से। बाकी अब जहाँ तक ये जो ट्रेन है वो डायरेक्ट रुकेगी गुड़गांव, तो मिलते हैं आपसे डायरेक्ट गुड़गांव। अभी जो एक बार वॉशरूम का भी रिव्यू कर देते हैं कि भाई हमारा जो वाशरूम है वो फिलहाल किस हालत में है। तो एकदम वाश बेसन जो हमारा साफ़ सुथरा है, सामने में है मिरर, तो काफ़ी लंबा चौड़ा मिरर है, ऊपर मिल जाएगी हमें लाइट, पानी देखें तो पानी भी आ रहा है, इधर मिल जाएगा हमें हैंड सोप, नीचे में टिशू पेपर के लिए भी, और टिशू पेपर है भी इसमें। ये हमारा वेस्टर्न साइड टॉयलेट है, बोले तो इंग्लिश सीट है। इधर में फ्लश का बटन मिल जाएगा, सामने में हैंड शावर और नीचे में एक लोटा और टोंटी। बाकी इधर जो आप अपने कपड़े वगैरह टांग सकते हो मतलब, और अगर साफ़ सफाई की बात करें तो आप खुद देख लो, एकदम नीट एंड क्लीन बाथरूम है। राजस्थान के एरिया में हो और राजस्थान में पहाड़ ना दिखे ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो सामने ही है उनको, परिसाल नाम के रेलवे स्टेशन को बड़े साल। अभी जो अपनी 120/15 शताब्दी एक्सप्रेस थी वो तो मिस हो गई। एक तो उसका क्या है ना, अपडेट टाइम टू टाइम नहीं दे रहे थे रेलवे के जो ऐप है, तो एक तो अपडेट भी टाइम टू टाइम नहीं मिला। बाकी जैसे ही मतलब सोचा कि चलो ठीक है दूसरे गेट पर जाते अपना स्किप निकालेंगे, मिस हो गई। लेकिन अभी हमारा जो है रेवाड़ी आने वाला है, रेवाड़ी का स्किप निकालेंगे और
सामने से आने वाली है पूजा एक्सप्रेस, तो पूजा का भी दिखाते हैं। दोस्तों अभी हम पहुंच रहे हैं हमारे रेवाड़ी जंक्शन। वैसे इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट नहीं है, अगर अनऑफिशियल हॉल्ट दे देंगे तो बात अलग है, पर इतने ज़्यादा डाउन कर दिए लग रहा है कि यहाँ पर हॉल्ट दे ना दें। डाउन भी है वो, इतना डाउन है, अभी आगे का सिग्नल नहीं दिख रहा। बांद्रा चंडीगढ़ है, वही तो बताई थी मैंने इनकी, बांद्रा चंडीगढ़ आ तो रही है पर ये नहीं 8:55 पे आने का टाइम था, बिफोर आई है। फिर अभी टाइम क्या हो रहा है? बिफोर आई। हाँ सामने में खड़ी है दोस्तों बांद्रा चंडीगढ़, हेलो। और इधर हो सकता है कि हमारी ट्रेन को हॉल्ट दिया जाए, ये प्लेटफॉर्म साइड लगा रहे हैं। तो जी भाई रेवाड़ी जंक्शन आ गए हैं, और आगे सिग्नल नहीं दिख रहा, बट मोस्टली तो हम स्किप भी करेंगे बिना रुके। हाँ हो सकता है स्किप करें। अनऑफिशियल हॉल्ट दे दिया रेवाड़ी जंक्शन पर, और आगे में जो है ना इसमें लोकोमोटिव लग रहा है, जो हमारे नए लोकोमोटिव निकले हैं टॉयलेट फिटेड, मेरे को वही लग रहा है, क्योंकि अगर इसमें कोई और लिवरी होती तो वो अलग ही दिखता। मतलब दोस्तों बात करें रेवाड़ी रेलवे स्टेशन की, यहाँ पर जो है टोटल 8 प्लेटफॉर्म है, और यहाँ से जो निकलने वाली लाइन है तो यहाँ से दिल्ली, अजमेर, बठिंडा, रोहतक और बीकानेर, इन सभी जगहों के लिए लाइन निकलती है। बाकी ये जो हमारा रेलवे स्टेशन है ये हरियाणा में पड़ता है, और क्या नाम है जो जोन पड़ता है ये नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवेज में जो है जोन पड़ता है इसका, मतलब ये जो रेलवे स्टेशन है नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे जोन में आता है, वहीं जो डिवीज़न पड़ता है तो जयपुर डिवीज़न में ये रेलवे स्टेशन आता है। कहें इसकी ओपनिंग डेट की, तो इसको जो है पहली बार 1873 में खोला गया था, वहीं इलेक्ट्रीफाइड तो ये है ही है। यहाँ पर जो हाई रेज पेंटो, मतलब इधर जो ट्रेन है वो ज़्यादातर हाई रेज पेंटो पर वर्क करती है, ऐसे सामने आप देख पा रहे होंगे। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको OHE पोल दिखा दूँगा, जो कि नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब ज़्यादा हाइट पर है, क्योंकि यहाँ पर जो डबल कंटेनर की ट्रेन चलती है। तो 5 मिनट के होल्ड के बाद हमारी जो ट्रेन है उसने डिपार्चर हॉर्न बजा दिया है, और यहाँ से अपनी ट्रेन का भी डिपार्चर जो हो चुका है रेवाड़ी से। अनऑफिशियल होल्ड दिया था इधर, पता नहीं कोई रीज़न होगा। जो हमारी ट्रेन है वो पहुंच चुकी है गुड़गांव रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर जो है अभी ट्रैफिक मतलब लगा हुआ है, गेट जाम है। तो आपको स्टेशन से, मतलब जो स्टेशन का अराइविंग है वो खिड़की से दिखा देते हैं। खड़ी करके बैठी है थोड़ा सा, देखते हैं भाई कैसे, हमारे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जीते कोई हारे ना, वो तो है भाई, भाई को तो पड़ता है यार, मेरे को फर्क पड़ता है। लीजिए भाई गुड़गांव आ चुका है, और यहाँ पर वैसे हम लगवा रहे वॉच बंद हो गई, कितनी देर से आए हैं, 15 मिनट की देरी से यहाँ पर, 15 मिनट लेट अभी। दो मिनट का हॉल्ट देने के बाद हमारी जो ट्रेन है वो डिपार्ट ले चुकी है गुड़गांव रेलवे स्टेशन से, क्योंकि भीड़ कुछ ज़्यादा ही हो रही थी इसी वजह से कुछ गेट के बाहर जाकर दिखाया नहीं है। बाकी अभी हमारी कोच की कुछ ऐसी हालत है, हमने और एक चीज़ आप कॉमन देख रहे होंगे इधर जो आवाज़ आ रही है न्यूज़ की, ये देखो खुद हमारे भैया जी न्यूज़ देख रहे हैं, मैं खुद न्यूज़ देख रहा हूँ अभी भाई, PM के लिए है। चलो ठीक है, मिलते हैं डायरेक्ट, अब आपसे डायरेक्ट मुलाकात होगी दिल्ली सराय रोहिला, दिल्ली कैंट को स्किप देंगे यार, धूप ज़्यादा ही हो रही है, ज़्यादा गर्मी लग रही है इस पे। और अभी यहाँ पर एयरपोर्ट आने वाले आपको दूर से मैं दिखाऊंगा, अदरवाइज नॉइस भी आएगी और हीट बहुत ज़्यादा है। भाई आप समझ के गौर करते हैं जो भी हो भाई,
तो जरूरी है यार, बहुत जरूरी है भाई। अभी आने वाले हैं यहाँ पर एयरपोर्ट, तो आपको एयरपोर्ट दिखाएंगे। इसके बाद इसके तक भिजवा सर। अभी हम स्किप करने वाले हैं शाहबाद मोहम्मदपुर, उसके बाद फिर से एक और बार आपको सीन मिलेगा एयरपोर्ट का। पालम रेलवे स्टेशन को दोस्तों, अभी हम स्किप दे रहे हैं पटेल नगर। बाकी यार अभी याद आया कि मैंने फेयर तो बताया नहीं, तो हमने पे किए लगभग 500 रुपये ना, 500 रुपये पर पर्सन, 500 रुपये पर पर्सन इसका फेयर है। तो ठीक है, रिजनेबल है, लेकिन कंफर्ट वाइज देखा जाए तो उतना भी कंफर्टेबल नहीं है। 4-4.5 घंटे की जर्नी है, तो उतना आप कर सकते हैं आराम से। अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई और डबल डेकर में 7-8 घंटे की। तो अभी जो हमारा दिल्ली सराय रोहिला रेलवे स्टेशन तो आ चुका है। बाकी एक बार आप देखिए इधर से, इसका जो अपर डेक है वो कितना ऊपर है, नीचे में पैसेंजर मतलब कितने छोटे लग रहे हैं। तो ऐसा कुछ आपको नज़ारा मिलेगा अपर डेक से। एक बार मैं आपको लोअर डेक का भी दिखा दूँगा। और बात करें इस कोच में, आपको अगर सफ़र करना है मतलब डबल डेकर में सफ़र करना है, तो आपको कुछ इस तरीके का इंटीरियर दिखेगा। तो ये आपको इंटीरियर दिखेगा, 3:2 का सीट कॉम्बिनेशन है और कोच के बीचों बीच एक इस तरीके की टेबल है, लेकिन सभी के लिए अलग में ये वाला हिसाब है। मतलब इधर जो है कोच का एकदम सेंटर है, तो इस हिसाब से इन्होंने टेबल का सेट लगाया है। उसके बाद में जो और बाकी की सीट हैं उनके लिए ये चीज़ दी गई है। अब आपको एक बार लोअर डेक और दिखा देता हूँ। इसमें आपको लोअर डेक से जो नज़ारा मिलेगा, क्योंकि कुछ जगहों पर लोग जो है ना नीचे बैठ बैठ कर अपने मेहमान वगैरह को जो है बाय बाय कर रहे थे, अब ये देखो कितना नीचे है।
तो यहाँ से ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम बिल्कुल नीचे साइड में बैठे हो, ट्रेन स्किप दिए जा रही है, स्टेशन वगैरह जब स्किप देती है ऐसा लगता है कि हम कितना नीचे बैठे हो। यहाँ पर भी वही सेम, एकदम सेम चीज़ है। हाँ थोड़ा सा लगेज स्पेस जो है वो कम है, लेकिन बाकी सब एकदम सेम है। बीच की जो गैलरी है वहाँ पर आपको 2x1 का सीट पे है, दोनों साइड में मिलेगा। तो चलो ठीक है, सभी पैसेंजर भी उतर चुके हैं, हम भी उतरते हैं। वो थोड़ा आपको रिव्यू देने के लिए रुके हुए थे। फाइनली डिबोर्ड हो चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, अपनी ट्रेन के आखिरी हॉल्ट पर। और यहाँ पर हमारी ट्रेन को लगाया गया था प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। और आज जो हमारा कोच था C5, तो ये देखो जिसके भी मेहमान वगैरह नीचे इधर बैठे हुए थे, जानकार लोग थे जिनको कि ऐसे मान लो हम छोड़ने आए किसी को, वो इधर बैठा हुआ है, तो उसको बैठ कर नीचे मतलब इस तरीके से बैठ कर और बाय 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 कर रहे थे। तो ये लोअर डेक है, अपर डेक आप देख लो कितना ऊपर है। तो आपको ये जर्नी ब्लॉग कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको इंटीरियर कैसा लगा मेरे को बता देना। जिसने सफ़र किया है डबल डेकर में वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, एक बार हाजिरी लगाइए क्या भाई हाँ हमने सफ़र किया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था मेरे को एक्सपीरियंस शेयर करना। और जिसने अभी तक डबल डेकर में सफ़र नहीं किया है तो मैं एक बार आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि भाई आप एक बार तो कम से कम डबल डेकर में सफ़र कीजिए, और जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहे वो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलो ठीक है, मिलते हैं एक नए जर्नी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।